Good morning all of you. Today I'll discuss 8.4 chapter, that is rest of the problem, what I left in last video. तो यहाँ पे वो सारे problem को discuss करूँगा जो मैं last class में छोड़ा था. तो आप लोग अच्छे से जुड़ जाइए और तैयारी कर रहे होंगे. हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे और अपना बोर्ड की तैयारी में मन लगा रहे होंगे. मैथ्स का एंजॉय भी कर रहे होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ. और आप लोग स्टार्ट कर लीजिए, अपना नोट्स निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं जो भी प्रॉब्लम मैंने छोड़ा था 8.4 चैप्टर में. तो यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मैं यहाँ पे 7 नंबर तक मैं बना दिया था. 5 नंबर क्वेश्चन का 7 तक मैंने डिस्कस कर दिया था. आज मैं 8 नंबर से स्टार्ट करूँगा और 9, 10 दो प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम बचे हुए हैं उसको ख़त्म करूँगा. फिर कुछ प्रॉब्लम है जो एग्जांपल के बहुत अच्छे प्रॉब्लम है, तो उसको मैं डिस्कस करूँगा. तो आप देख सकते हो ये चीज़ कि मैं यहाँ पे 8 नंबर प्रॉब्लम को डिस्प्ले किया हूँ, 9 को एंड 10 को डिस्प्ले किया हूँ. तो आप वन बाय वन देखोगे. आप लोग अच्छे से पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और रेडी हो जाइए एंजॉय करने के लिए मैथ्स विथ SK.Singh. तो फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे देखें क्या दिया हुआ है. फर्स्ट प्रॉब्लम में यहाँ प्रूफ करना था हम लोग को जो कंटिन्यू लास्ट वीडियो में मैंने बताया था. तो यहाँ पे LHS लिखेंगे जो भी दिया हुआ है, इक्वल टू साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या आना है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए के होल स्क्वायर दिया हुआ है. तो इसके आगे मैं ले चलता हूँ और फॉर्मूला आप जानते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है. ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये चीज़ हम जानते हैं. तो उसी फॉर्मूले पे हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए इंटू कॉसेक ए. ये तो फर्स्ट का हुआ. सेकेंड, ये सेकेंड टर्म का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए इंटू सेक ए. तो ये चीज़ है. अब यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे ही एक्सपेंड किए तो ये साइन और यहाँ पे कॉस दोनों स्क्वायर में है, तो वन हो जाएगा ये दोनों टर्म, ये दोनों मिलके वन हो जाएगा. प्लस यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर को आप देख सकते हो यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कॉट में वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है. प्लस और हम जानते हैं क्या, यहाँ पे साइन साइन ए इंटू कॉसेक ए वन होता है. साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या होता है, वन होता है. आप देख सकते हो कि पीछे के वीडियो में मैंने बताया था साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू वन या साइन ए इक्वल टू वन बाय कॉसेक ए. उसी तरह कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू वन. तो इस तरह से बताया था मैंने फॉर्मूले. तो मैं फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूँ. तो आप लोग यदि फॉर्मूला याद है तो बेहतर है, बहुत अच्छा है. नहीं याद है तो आप पीछे जाएं और फॉर्मूले को पहले अच्छे से समझें और फिर आप अटेम्प्ट करें ये प्रॉब्लम को. तो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे कॉसेक तक तो मैं आया था, उसके बाद ये वन हो जाएगा. ये पूरा साइन ए इंटू कॉसेक ए वन होता है, तो टू इंटू वन प्लस
ये कॉस तो खत्म हो चुका है, सेक का वन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस टू इंटू वन, तो ये चीज़ है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन प्लस वन टू और यहाँ टू फोर, फोर वन फाइव, फाइव टू सेवन, तो यहाँ सेवन आ जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, आप देख सकते हो ये आएगा। अब हमें प्रूफ क्या करना था, तो यहाँ पे सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट, जस्ट यहाँ पे टेन इस साइड किया हुआ है, सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये प्रूफ करना था इक्वल टू आर एच एस। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से प्रूफ हो चुका है, ये फॉर्मूले पे हमने कॉसेक वाला फार्मूला लिखा है, ये कॉसेक वाला फार्मूला होता है और ये सेक वाला फार्मूला होता है, सेक थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ये वाला फार्मूला। और ये तो आप जानते हो से के कॉस ए वन होता है, और यहाँ भी जानते हो ये भी वन होता है, तो इस तरह से हमने लिखा है यहाँ पे, और बहुत इजी है, आप देख सकते हो इजी से प्रूफ कर सकते हो। एक बार नहीं दो बार देखिए वीडियो, यदि समझ में नहीं आए और अच्छे से आप प्रूफ कर सकते हो। आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम नाइन नंबर क्या है, आप देख सकते हो नाइन नंबर यहाँ पे क्या है। तो नाइन नंबर में हम लोग एल एच एस को लिखेंगे, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो एल यहाँ पे हिंट भी दे दिया है, एल एच एस और आर एच एस दोनों से आप प्रूफ कर सकते हो और बहुत जल्दी होगा, मतलब दोनों टर्म लोगे तब। तो चलिए लेते हैं पहले एल एच एस, कॉसेक ए माइनस साइन ए, इधर से के माइनस कॉस ए, ये चीज़ है, तो कॉसेक को लिख सकते हैं वन बाय साइन ए माइनस साइन ए, इसको लिख सकते हैं वन बाय कॉस ए से कॉ माइनस कॉस ए, तो उसके आगे क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए साइन ए इंटू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए, इस तरह से लिख सकते हैं वन बाय साइन वन माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, ये सारे मिल के क्या हो जाएगा, ये वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए इंटू ये क्या होता है, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए, तो ये एक इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो ये बचेगा क्या, कॉस ए इंटू साइन ए या साइन ए इंटू कॉस ए, ये एल एच एस आया। अब आर एच एस क्या है वो देखते हैं और लिखेंगे, फिर उससे भी ये चीज़ आता है कि नहीं, टेन ए प्लस कॉट ए है, तो वन बाय टेन ए प्लस कॉट ए, इसको भी साइन कॉस में अच्छे से एक्सपेंड करेंगे, साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए प्लस कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए, इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या देगा यहाँ पे, वन बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ एलसीएम लेंगे तो वही चीज़ आएगा, साइन ए इंटू कॉस एलसीएम, अब इसमें कॉस है तो साइन से मल्टीप्लाई होगा ऊपर उस तरह से, तो ये चीज़ ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू कॉस में लिखते हैं क्योंकि कॉस ए साइन ए था यहाँ पे, कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइड बाय, नीचे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, तो ये तो वन हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, ये भी एल एच एस के बराबर है, तो इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ, नाइन नंबर भी प्रूफ हो गया। तो इस तरह से नाइन नंबर प्रूफ कर सकते हो।
जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे 9 नंबर प्रूफ कर सकते हो इस तरह से। अब 10 नंबर की ओर चलते हैं। 10 नंबर बहुत ही जी है, और यहाँ पे मिडिल टर्म भी दे रखा है कि मिडिल टर्म 3 टर्म दे रखा है यहाँ पे। तो 10 नंबर को मैं देखता हूँ, सबसे पहले LHS लेके इसको चलते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + tan² a / 1 + cot² a, ऐसे दिया हुआ है। तो इसको लेके चलेंगे तो 1 + tan² a sec² a होता है, 1 + cot² a cosec² a होता है। अब sec का उल्टा cos होता है 1 / cos² a, cosec का उल्टा क्या होता है, तो cosec का उल्टा 1 / sin होता है। तो आप सीधा सीधा इस तरह से लिखें 1 / cos² a / 1 / sin² a। अब देखिए ये तो नीचे चला आएगा, ये साइन ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, sin² a / cos² a, sin² a / cos² a क्या हो जाएगा, 10² a। यही चीज़ RHS प्रूफ करना है, जो आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पे कि RHS क्या प्रूफ करना था। नेक्स्ट आपका LHS लेते हैं यदि इसको, या MHS भी बोलते हैं, MHS भी बोल सकते हो उसको, या LHS लेके डायरेक्ट ये 10² a ले आओ, तो वो भी एक वो है। तो यहाँ पे LHS में क्या दिया, 1 - tan² a / 1 - cot² a इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ देख सकते हो 1 - tan² a / 1 - cot² a इस तरह से दिया हुआ है। तो आप इसे 1 - sin a / cos a, नीचे भी 1 - sin a / cos a, सॉरी cos a / sin a नीचे हो जाएगा क्योंकि cot है, तो नीचे क्या लेंगे, cos a / sin a, इस तरह से हम लोग होल स्क्वायर कर लेंगे, है ना, होल स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पे LCM लेंगे ऊपर में, तो क्या हो जाएगा, cos a - sin a, नीचे हो जाएगा cos a, फिर यहाँ पे sin a - cos a, फिर नीचे हो जाएगा sin a का होल स्क्वायर, है ना, इस तरह से होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे इसे हम अच्छे से पलट लेते हैं अंदर ही, तो बड़ा सा देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस लेंगे कॉमन, तो sin a - cos a हो जाएगा, डिवाइड बाय ये cos a आएगा नीचे, और नीचे वाला दोनों पलट जाएगा, तो ये sin a ऊपर जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, sin a - cos a, ये चीज़ है ही, और ये तो होल स्क्वायर तो रहेगा ही, और ये देख सकते हो ये कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, वो अभी अंदर, तो ये बचेगा -sin a / cos a का होल स्क्वायर, इस तरह से माइनस में बचेगा। अब स्क्वायर है माइनस, जैसे हम लोग कहते हैं -2² का स्क्वायर, तो ये 4 होता है, मतलब क्या, 2 - 2 - 2, माइनस माइनस प्लस होता है, यदि गुना में रहे तो वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाता है। कोई भी प्लस माइनस, प्लस प्लस, ये प्लस ही देता है, माइनस प्लस, बीच में गुना रहे तब ये क्या देगा, माइनस देगा, इस तरह से बेसिक है। तो यहाँ पे क्या दे देगा, sin θ / cos θ 10 a² है, तो स्क्वायर प्लस में आएगा, तो ये चीज़ RHS है। आप देख सकते हो 10 में दोनों का दोनों प्रूफ कर चुका हूँ, 10 नंबर क्वेश्चन। तो इस तरह से आप लोग का ये चैप्टर ख़त्म होता है।
और अच्छे से ख़त्म किए हैं, पूरा चैप्टर अच्छे से ख़त्म किए हैं। आप लोग ज़रूर इसको रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, जो भी अदर बुक से भी प्रैक्टिस करें, प्रॉब्लम नहीं बनता उसे नोट करके रखें, कमेंट करें, हम ज़रूर कमेंट सेशन लेके आएंगे आप लोग का कमेंट देख के कि कौन कौन सा प्रॉब्लम नहीं बना स्टूडेंट से, ज़रूर लेके आएंगे। चलिए हम चलते हैं और एक प्रॉब्लम जो जो कि मैंने लिखा है, जो आपके एग्जांपल में है ये, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत तो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। तो ये प्रॉब्लम देख सकते हो अभी स्क्रीन पे, ये यहाँ पे दिया हुआ है LHS, क्या दिया हुआ है उस तरह से चलेंगे, फिर RHS प्रूफ करना है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। अब यहाँ पे यदि कहें बाय कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा करें या लिखें ऊपर नीचे कॉस थीटा से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि ऊपर नीचे कॉस थीटा से इसमें भाग दे रहे हैं। यहाँ पे कॉस आएगा मतलब ऐसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन डिवाइड बाय कॉस थीटा, फिर यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन डिवाइड बाय कॉस थीटा। सारे को अलग करेंगे तो जैसे एलसीएम लेते हैं तो इस तरह आता है, अभी सबको अलग करेंगे तो यहाँ भी कॉस, यहाँ भी कॉस, यहाँ भी कॉस, ये दोनों साइन कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा, यहाँ कॉस कॉस माइनस वन, यहाँ वन बाय कॉस प्लस एक, ये चीज़ देगा। और नीचे क्या देगा अलग करेंगे तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या देगा टेन थीटा, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा, इस तरह से देगा। तो आप देख सकते हो कि साइन टेन और सेक में फॉर्मूला होता है, तो हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पे क्या, तो टेन टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन डिवाइड बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ये है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे अपोजिट से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस तरह की हमें बुक में दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे आप जा सकते हो अपना बुक एग्जांपल में, दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले, और देख सकते हो यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या दिया हुआ है और क्या चीज़ सर बता रहे हैं। एग्जांपल में देख सकते हो ये चीज़, यहाँ पे डायरेक्ट इन्होंने ये चीज़ लिख दिया है। पर यहाँ पे यही बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है समझने में, ये यहाँ पे क्या किए हैं, ये बच्चों को समझ ही नहीं आता कि सर ने क्या क्या किए हैं और कैसे फिर करना है आगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप उसी तरह यहाँ भी आप मल्टीप्लाई करें, रेशनलाइज यहाँ पे नहीं किया है, जैसे हर चीज़ का रेशनलाइज होता है तो ये सेम चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई करते, इसे रेशनलाइज नहीं कहेंगे, इसे जस्ट एक फैक्टर याद रखना होगा कि टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई किया है, थीटा माइनस सेक थीटा से फिर डिवाइड भी किया है, दोनों वापस कट के वही चीज़ आएगा। इसलिए इसको यही चीज़ यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कोई प्रॉब्लम एक स्पेशल होता है, ताकि आप ये यूज करेंगे तभी वो आंसर आएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ पूरा फैक्टर यदि ये दोनों में गुना कर दे टेन थीटा और सेक थीटा में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, और ये वन का तो वन रहेगा, तो ऐसे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी सेक स्क्वायर थीटा
ये तो इसका ये हो गया माइनस माइनस क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेफ थीटा, इस तरह से होगा आपका फर्स्ट ऊपर का चीज दोनों में गुना किए हैं और नीचे तो वही चीज़ रहने देंगे क्या, तो टेन थीटा माइनस सेफ थीटा प्लस वन, टेन थीटा माइनस सेफ थीटा, अब देखोगे ये दोनों मिलके तो वन होगा, टेन थीटा माइनस सेफ थीटा नहीं माइनस वन होगा, क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। यदि इसको पलटा दिया जाए तो उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इस वजह से माइनस वन हो जाएगा माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये चीज़ आएगा ऊपर में, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ये चीज़, और इधर सॉरी ये नीचे ही है टेन थीटा माइनस सेक थीटा करेक्ट, नीचे अब यहाँ देख सकते हो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे वन, यहाँ पे हो जाएगा टेन प्लस में माइनस सेक थीटा वन हो जाएगा प्लस में डिवाइड बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इस तरह से आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा पूरा टर्म, और ये माइनस नीचे लाएं या माइनस वन बाय नीचे का माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा टेन नहीं पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना, और दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या देगा यहाँ पे वन बाय यही चीज़ ऊपर में पूछ रहे थे कि एल एच एस दिया हुआ था आर एच एस, ये वन बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्रूव करना है। तो इस वीडियो में इतना ही मैं छोड़ता हूँ और आगे फिर हम कुछ डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स और लेके चलेंगे आपको हाइट एंड डिस्टेंस में एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति में, जो कि आप लोग का अगला नेक्स्ट चैप्टर है, आप देख सकते हो बुक में भी नेक्स्ट चैप्टर आपका एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है सम एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति। तो अच्छे से पढ़ाई करें, नोट्स बनाते रहें, त्रिकोणमिति ख़त्म होने के बाद और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे टेंथ का, जो बेसिक चैप्टर होगा जैसे क्वाड्रेटिक हो गया, ज्योमेट्री हो गया, जो भी वन बाय वन तो ख़त्म करना ही है, अपना टारगेट है, पर जो भी होगा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आप नोट बनाते रहें, अच्छे से पढ़ें, ताकि आप लास्ट में जब हम दो तीन महीने पहले स्टार्ट करें कोई प्रॉब्लम प्रैक्टिस या क्रैश कोर्स टाइप का, तो आप सबसे आगे रहें और अच्छे से तैयारी करें। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद।